सुधीर जी जी, और तस्वीरें इस बीच हम अपने दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें हैं, एक पाकिस्तान अंडर अभिनंदन को आप देख पा रहे हैं, और ये देखिए अब एक गाड़ी की हेडलाइट आपको भारतीय सीमा की तरफ दिखाई देगी। कुछ हलचल दिख रही है और ऐसा लगता है कि अब अभिनंदन अपने देश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए गाड़ियों का काफिला आया है और इन्हीं में से किसी एक गाड़ी में अभिनंदन होंगे। पूजा, आप बताइए इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है? जी सुधीर जी, इस वक्त जहां मीडिया ब्रीफिंग की जगह तय की गई थी, वहां सेना के कुछ अधिकारी पहुंचे हैं और सीधे हम कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं उसे सुनाने की कोशिश की जाए। जी तो आपको लगता है कि भारत की तरफ से या भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई औपचारिक बयान यहां दिया जाएगा? सुधीर जी, तस्वीरें बिल्कुल साफ कर रही हैं कि वतन की वापसी हो चुकी है। विंग कमांडर इस वक्त अपनी धरती पर मौजूद हैं। सेना की एक गाड़ी यहां आकर रुकी है और उसमें से आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स देखे गए हैं उतरते हुए। अभी उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है वो मीडिया से मुखातिब हो, उनके लिए यहां जगह भी बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ बोलना शुरू नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे हैं, पीछे गाड़ियों का एक काफिला भारत की तरफ एंटर करता हुआ जरूर दिखा था, उसमें से एक गाड़ी इस तरफ आई है। जी, हम कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं, एयरफोर्स की गाड़ियां हैं सारी। तो पूजा, जोश काफी हाई लग रहा है वहां पर अटारी में। बिल्कुल सुधीर जी, यहां सब तरफ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जैसे ही सेना के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी हैं, आर्मी के ऑफिशियल्स भी हैं और ये मीडिया को ब्रीफिंग की जा रही है। हालांकि